गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट इन वर्ड्स एंड फिगर्स। आपको जो भी डिजिट दी गई है उसमें एक सर्कल डिजिट है। सर्कल मीन जिस डिजिट पर सर्कल हुआ है वो है सर्कल डिजिट। तो जो सर्कल डिजिट्स दी गई हैं आपको इस क्वेश्चन में, उसकी आपको फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों बतानी है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू ये होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी डिजिट ऐसे ही लिख दी, फिर मैं बोलती हूँ कि आपको इस डिजिट की फेस वैल्यू बताइए, 1 की फेस वैल्यू बतानी है। फेस वैल्यू फॉर एग्जांपल आप ये समझिए, जैसे आपके सबके घर में मिरर है, शीशा है, जब आप उसमें देखते हैं, फेस देखते हैं अपना, तो मिरर में क्या कैसा दिखता है फेस? जैसा फेस है एज इट इज़ ही दिखता है, जैसा फेस है सेम ऐसा ही दिखता है। तो फेस वैल्यू का मीनिंग यही है, जो नंबर है 1 है तो फेस वैल्यू भी उसकी 1 ही रहेगी। अगर 1 अपने आप को मिरर में देखेगा तो 1 ही लगेगा, 2 नहीं लग जाएगा वो, है ना। तो फेस वैल्यू कौन सी वैल्यू हुई? जो डिजिट है वही उसकी फेस वैल्यू हो गई। ओके, इजी है। एक और देखें एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है, मैं बोलती हूँ कि इसकी फेस वैल्यू बताओ, तो फेस वैल्यू किसकी बतानी है? 3 की। तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? 3 ही होगी। ओके, जो जिस डिजिट की हमें फेस वैल्यू निकालनी है, फेस वैल्यू उस डिजिट की वही होगी। जिस नंबर की भी फेस वैल्यू निकालनी है वही नंबर होगा फेस वैल्यू में भी। ओके, अब प्लेस वैल्यू देखते हैं। प्लेस वैल्यू क्या था? बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 में बोला फेस वैल्यू भी निकालो और प्लेस वैल्यू भी निकालो। फेस वैल्यू हमने देख ली सेम होती है, अब प्लेस वैल्यू देखते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, मैंने कल जो आपकी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने प्लेस वैल्यू निकालनी सीखी थी। देखते हैं, अगर मैं इसकी बोलती हूँ कि इसके प्लेस वैल्यू बताओ, तो प्लेस वैल्यू कौन सी है इसकी? 1s, 10s, 100, 100 है। 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 800। तो दिस इज़ प्लेस वैल्यू। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि इसकी प्लेस वैल्यू बताओ मुझे 1 की, तो 1 कौन सी, 1 कौन सी उस पर है, कौन सी प्लेस पर है? 1s पर है। 1s, 10s, 100 ऐसे ही पढ़ते हैं, तो 1s पर है। चलो उसको 9 समझ लेते हैं। 9 है, कौन सी प्लेस पर है? 1s पर है, तो ये 9 ही रहेगा। समझ आया? क्योंकि 1s प्लेस को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 10s प्लेस को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आता, लेकिन उसने बोला 9 की प्लेस वैल्यू बताओ तो 9 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट में आपको ये दिया गया है, ये आपको डिजिट दी गई है, इसको इसकी आपको फेस वैल्यू भी बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है। जो सर्कल डिजिट है, सर्कल डिजिट है 4, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हुई? फेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट, फेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट 4 है, तो 4 की तो 4 ही रहने वाली है ना, सेम रहेगा। और प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट, प्लेस वैल्यू आपकी सर्कल डिजिट की क्या हो जाएगी? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। 4 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ लिख देती हूँ, 4 को हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आएगा 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई करके? 40,000। ओके, इजी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सी द पैटर्न एंड राइट नेक्स्ट 3 नंबर्स। ये जो पैटर्न दिया गया है इसको ध्यान से देखना है और अगले 3 नंबर्स लिखने हैं। ये है आपका फर्स्ट वाला, देखते हैं ए पार्ट। 34,560, 34,660, अब होगा 34,760, 34,860,
860, ऐसे ऐसे हम इसको करते जाएंगे। समझ आया आपको ये? इसमें आपको पैटर्न जो आपको दिया गया है उसको देखना है और उसी को आगे कंटिन्यू करना है, उसी को आगे बढ़ाना है। तो देखते हैं एक बार, आपके क्वेश्चन में दिया है ये 34,560। 34,660 मीन्स चेंज इस वाले डिजिट में हो रहा है, यहाँ 5 था यहाँ 6 हो गया। अब जो हमें नेक्स्ट 3 डिजिट्स निकालेंगे उनमें इसी को चेंज करते जाएंगे। 34,000 तो सेम है दोनों में, 34,000 34,000, हम भी अगले में यही लिखेंगे 34,000। इसमें था 560, 660 तो अब आएगा 760, नेक्स्ट में आ जाएगा 860, अगले में आएगा 960। ओके, ऐसे इसको पैटर्न को आगे बढ़ाता है चले जाना है। इसका बी पार्ट है आपका 95,770, 96,760। तो चेंज कहाँ हो रहा है? इसी में ही हो रहा है। यहाँ पे 95,000 था, इसमें 96,000 है, तो इसमें 97,000 हो जाएगा, 98,000 हो जाएगा, 99,000 हो जाएगा, बाकी का 770, 770 ये सेम रहेगा। ओके, तो इजी वे में कर लीजिएगा इसको। ओके,